सुबह के बज गए 5 और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से, और देखिए मेरे साथ कौन है। 10 सुबह इसकी कोचिंग है, तो ये अभी बीच से कट जाएगी अपनी कोचिंग के लिए और मैं निकल जाऊँगा सीधा रब भैया के घर। बाय सुबह। तो गाइस अपनी गाड़ी आ चुकी है और रब भैया ने हमेशा की तरह लेट करवा दिया है, और अपने साथ आज ये लोग भी जा रहे हैं। ताऊ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे बैग हो गए ना, एक बार चेक कर लो। रब भाई का मैया की जय। बोलो बजरंग बली भगवान की जय। और गाइस मैं और उपांशु तो यहाँ खेल रहे हैं डिग्गी में, वहीं पर सो भी जाना। हाँ यहीं पे टाइम पास होने वाला था, थोड़ी देर में सो ही जाएंगे। लोग कर क्या रहे हैं इसमें, सब दिख रहा। आप लोग तो आराम से बैठे हो, देखो आप लोग ने कुर्सियां फैला ली, हम और उपांशु ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं। ये लोग कैसे बैठे हैं बढ़िया आराम से भाई, तुम लोग कर क्या रहे हैं? अरे सो रहे हैं। नहीं सो रहे थे हम लोग। आप कह रहे थे कि ऐसे बैठ जाओ ऐसे बैठ जाओ, और आप नाटक कर रहे हो। स्क्रिप्टेड और झूठ। नो नो, हमने बोला था कि अभिजय ने बोला भैया ने झूठा। ठीक है। अरे मैं झूठ नहीं बोलता। सादा सिंपल टाइप को लग रहा हूँ। अब सही है रब भाई? अब सही है, अब बढ़िया, हल्का हल्का। क्यों ऐसा क्या करने गए थे आप? बताइए ताऊ जी क्या पोजीशन, थोड़ा जलल पान करें। जलल पान किया जाए क्या? आओ रब भाई आ जाओ बच्चे लोग, समोसे समोसे खा लिए जाए। हाँ बढ़िया मजा आ जाएगा। चाय? चाय नहीं। तो अब हम चलते हैं कार में। चलो 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 चलो, बहुत लेट हो गया वैसे भी, मिनी ब्रेक कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। आप तो वैसे ही हो, आपको तो मजे आ रहे हो, लेट चीजों में आपको मजा आता है। अच्छा आप लतीफ हो ना। क्यों का ही नहीं खत्म हो रहा हर चीज की? ये मुझसे जब से बैठे हैं कार में इसके सवाल खत्म नहीं हो रहे। अरे बता हर चीज क्यों नहीं, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर चीज जानने की। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि लाइनें क्यों होती हैं, मेटल की लाइनें होती हैं, तो बाय चांस अगर कभी बर्फ गिर गई तो ये खुद से ऑन हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, फिर बर्फ खुद से पिघल जाती है पीछे के। ठीक है, पीछे की पिघला के कितना आगे होनी चाहिए ना फिर लाइन। तो पीछे अगर देखना हो, अगर जैसे कितनी बार देख रहे थे हम तो बहुत कम। सीट बेल्ट भी बांध ली तुम लोग? वाह इसकी नहीं है लेकिन। लो रब भैया अपने यहाँ पर सो गए। क्यों दाऊ जी? हाँ। एक लंच ब्रेक तो बनता है अभी। हाँ बिल्कुल बनता है। हाँ ठीक है ठीक। अरे तुमसे किस तरह हम लोगों का क्या चल रहा है? हम लोग को खेलने का चल रहा है, इसको देखो इसको। हेलो, ये भैया अपने वर्क फ्रॉम होम का फायदा, वर्क फ्रॉम कार भी कर सकते हैं। लो इसको भी रख दो, खाना खाएंगे फिर उसके बाद फिर चलेंगे। अपन लोग ताऊ जी 250 किलोमीटर आ गए, पता भी नहीं चला। अरे अब कुछ ना कहो। नहीं रास्ता भी अच्छा है ना, रास्ता भी बढ़िया, कार भी बहुत आरामदायक। तो भैया अपना जो लंच है वो डन हो चुका है, अब सीधा यहाँ से निकलेंगे और सीधा रुकेंगे रब भैया की ससुराल में जो की है अलीगढ़। सही है रब भैया? ओके। और भी कहीं रुकने का मन है आप? पता नहीं। अच्छा आपके पेट के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा पेट फुल हो गया। ये हमारे रब भैया है, इनने KGF नहीं देखी। अच्छा अच्छा कह रहे हैं? हाँ इनने नहीं देखी थी। मैंने इतना इनको बोला देखने को, इतना बोला तब भी नहीं देखी। अब मैं अपने फोन में इनके लिए डाउनलोड करके लाया हूँ, लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो मैं आधी देख चुका हूँ। भैया देर हो रही, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो, फिक्स हो जाओ जल्दी, फिक्स। तुम लोग नहीं, अभी सिर्फ तुम हुए, ये नहीं। अच्छा, हुआ हम ही हुए। चलो हम भी फिक्स हो गए, इसको फिक्स करो जल्दी, इसको भी फिक्स करो। मैं फिक्स हो चुका हूं, पप्पा भी फिक्स हो गया, अब सीधे अलीगंज में रुकेंगे। देखिए गाइस ऑन द गो तैयारी हो रही है। अच्छा मतलब खुद तैयार हो गए तो कुछ नहीं है। मैंने तो बस अपना जीन्स बदला ना।
घर से हम लोग दोस्त अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के आए थे, अब जब पता चला 15-20 किलोमीटर बचा तो अपने कार के अंदर ही चेंज कर लिए दोनों भाइयों ने। ताऊ जी आपको तो नहीं चेंज करना? नो प्लीज। अरे भाई फिर इंग्लिश, नो प्लीज। सही है ताऊ, सही है। तो भैया फाइनली वी रीच्ड। कैसा लग रहा है? थक गए बहुत कसके। तुम तो सो भी गए, मैंने तो सोया नहीं। एक्साइटेड तो सबसे अगर अब वो ही है। और फर्स्ट भाई ब्लॉग चल रहा है? हाँ भाई, तुम तो एक्सेल 6 में ही आए। हमने कहा जब फर्स्ट भाई एक्सेल 6 में है तो हम भी उसी में आ जाते हैं। A few inches later. बताओ भैया ये भूतिया पेड़ क्यों लगाए हो तुम अपने खेत? भूतिया पेड़ इसलिए लगाए हुए हैं, बच्चे लोग लो भूत पेड़ से डर रहे हैं। हम तो नहीं डरते। बाद में आना यहाँ पे 9 बजे भी। देखो तो कितने खतरनाक लग रहे हैं। जैसे आप हॉरर मूवीज में देखते हैं ऐसे ही वैसे ही है। मजा आ रहा है? आ रहा मजा? हाँ, बढ़िया झूला है। तुम्हारे इंतजार कर रही नीचे बकरी, कून जाओ 500 बकरी के ऊपर बैठो और बकरी ले जाएगी तुम्हें। देख लो पुराने भैया हुए हैं। ये बंदर वाली प्रैक्टिस पूरी। ये अलग हिला रहा वहाँ। बस भाई पूरे हिल रहे हैं, मैं घोड़े वाली भी हिला रही यहाँ। ऐसे दूर करो तो पता चले कि ये डाली में बैठ। फर्स्ट भाई यार ज्यादा नहीं चढ़े डाल पे। अरे खूब चढ़ ली ऊपर तक। हम लोगों के साथ नहीं चढ़े यार। अब देखो अभिजय वो 500 बैठा बंदा। एनिमल्स में क्या हो तुम? पहले उससे पूछो तुम क्या हो एनिमल्स? हम घोड़े हैं। मैं तेज भागता हूँ इसलिए मेरा नाम घोड़ा रख दिया गया। तुम क्या हो? बताते हैं उपांशु का, वो गधा है। इंग्लिश में नहीं कह पा रहा। डोंकी। तो गाइस दिस इज़ डे 2 इन अलीगंज और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं निकला हूँ ताऊ जी के साथ टहलने के लिए। कल तो भाई प्रथम भाई के साथ अलीगंज में ऐसे ही घूमते रहे इधर से उधर, फिर उसके बाद भाभी के जितने भी चाचा लोग थे उनके यहाँ पर गए, तो ऐसे ऐसे करके ताऊ जी रात में कितने 12 बज गए थे अपन। 12 से भी ज्यादा बज गए थे। और फिर जाके सो पाए और सुबह 5 पे फिर उठ गए। फिर ताऊ जी ने कहा कि आओ थोड़ा टहलने चलते हैं, तो अभी वही टहलने निकले हैं। फिर वापस जाएंगे, नहाएंगे वहाएंगे, तैयार होंगे और भाभी को लेके सीधे महोबा की रवानी। बहुत अच्छा जो है बनाया हुआ प्रोग्राम है अपना। प्रोग्राम जब अच्छा बनता है तो फिर आनंद ही आनंद आता है। बताए और क्या। अब हम जा रहे हैं अपने घर महोबा। चलो यार रब भैया कितनी देर का। ठीक है प्रथम भाई चल रहे फिर। ठीक भाई मिलते हैं फिर है? आना जल्दी। ये क्या है? स्वैग। पीछे वाली सीट पे आ रहा था। कम लोग आया करो हमारे। ये है उनका कहने का मतलब। बैग भी लगेज हो जाए वो आराम से गाड़ी में रख जाए इस वजह से। ये नहीं कह रहे कि बड़ी गाड़ी लाया करो, ये कह रहे हैं कि कम लोग आओ। वाह यार फर्स्ट भाई। लेकिन फर्स्ट भाई को हम धन्यवाद कहेंगे, इनने सामान वामान सेट करवा दिया, वरना हम लोगों के बस के बाहर ही था। गाड़ी दोस्तों पूरी पैक है, समझ ही नहीं आ रहा था कि सामान आएगा भी नहीं। भाभी के एक दो सामान भी कैंसिल करवाए ले जाने के लिए। तुम्हारे बन गए सारे सामान के? नहीं मैं तो खुद लिए हुए एक लगे। ये ऐसे हाथ में लेके जा रहा हूं। ये इन्हीं ने पकड़ा दिया है गाइस। गाइस आप ये देखिए हमारी गाड़ी में लोग से ज्यादा तो सामान है। ये नीचे ये आगे ये पीछे पूरी डिग्गी पुल है और इसमें मुझे बैठना है और यहाँ रब्बूया को यहाँ पे भी सामान, हर जगह सामान फुल्ली लोडेड। आप रब्बूया बड़ी गाड़ी नहीं ला पा रहे। ऊपर बांध लो। ऊपर आप ही को बांधना पड़ेगा हमें लग रहा है। तो भैया जैसा मैंने बताया कि सारा सामान देखिए गाड़ी में हो चुका है लोड और हम लोग हो गए हैं रेडी, बस भाभी के आने का इंतजार है। उसके बाद सीधे हम लोग निकलेंगे महोबा के लिए। अभी टाइम बजा है 9:30 के लगभग हो रहा है और हम लोगों को पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से शाम के 5-6 बज जाएंगे लगभग। अगर ब्रेक वगैरह लेके जाएंगे तो शाम के 5 या 6 बज जाएंगे पहुँचने में। घुसो यहाँ पे। ठीक है चल रहे फिर। बाय ने ये फोटो लिए।
दिख भी नहीं रहा हूँ बस, मुझे नहीं दिख रहा है पूरे तो पूरे दिख रहे हैं, केवल आंखें ही बस तो नहीं दिख रही, उसी से तो नहीं पहचान पाएंगे कोई मुझे, केवल आंखें ही बस तो नहीं दिख रही। भाभी यार आपने रबुया को फोटो खींचनी नहीं सिखाई, वही तो सिखाना ही पड़ेगा। ट्रेनिंग कब दे रहे? हमारे घर में दो ही तो फोटोग्राफर है, एक हम और एक पृथक। धूप वो ले लो झोला खाना जिसमें था, और अपने पास क्या है ये भी देख ले, उड़ी उड़ी है। तो भैया अभी हम रुके हैं यहाँ पर औरैया और उरई के बीच के रास्ते में, और यहाँ पर करेंगे लंच। दोपहर के बज रहे हैं एक, धूप इतनी तेज है कि खोपड़ी पूरी गर्म हो रही है हम लोग। हाँ। तो यहाँ पर लंच ब्रेक करेंगे और फिर फटाफट से सीधा भाई महोबा के लिए, आंखें तक नहीं खुल रही हैं सोचो। अभी दोस्तों हम लोग खाने के लिए उतरे थे तो गाड़ी में धूप आ रही थी, इतनी ज्यादा गर्म है कि बैठा भी नहीं जा रहा। दोस्तों सुबह 9:30 बजे हम लोग निकले थे और अब बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी महोबा बॉर्डर पे हमने अपने आप को एंटर किया है। बहुत कस के गर्मी लग रही है, ये बेचारा बोर हो रहा है बैठे बैठे, बोर हो गए। चाची वेलकम, वेलकम टू महोबा, वेलकम बैक। भाभी जी रखो। Okay, thank you.